Hello guys, welcome and welcome back to my channel. I am Diksha Gautam. I hope you all are doing great in your life. So guys, here I am with another video, and um I thought to make this video uh, the time I like bought this product, but um, I was not really sure about reviews and uh, results and everything. So um I, I have no idea, but. Um, if you know me personally, or maybe if you are like, uh, uh, if you ever watch my videos, you got to know that I had this a uh, pigmented area like, both side like, na? and um, for so long, and uh, I was not the kind of person who took care of my skin daily skin routine kind of thing. So I was not that kind of person then, and um, so mujhe laga because

It's minimalist and uh, it's a magic for me, it's a magic product, okay, first of all, this is the second uh serum, have and I don't know jo <laughs> like a packing was, it? because um it's been more than uh, almost three months. I remember I start using this uh, serum from second of august and um, सो अगस्त सेप्टेम्बर दैन अक्टूबर एंड नवम्बर एंड दो अभी ना ये बहुत कम बचा है अगर आपको दिख रहा होगा इट्स जस्ट लाइक इतना सा बचा है और मैंने सोचा बिफोर ये खत्म हो जाए लेट्स मेक दिस वीडियो तो नाइज मुझे क्या आता ना कि लाइक ईयर्स बैक वेन आई मूव टू चंडीगढ़ एंड आई एम फ्रॉम शिमला इफ़ यू नो तो शिमला का जो टेम्परेचर है जो वेदर है ये बहुत ठंडा बहुत कोल्ड सा रहता है और चंडीगढ़ बहुत यू you नो know, एक गर्म इलाका है बिकॉज ऑफ दैट स्किन प्रोडक्ट्स जो मुझे यूज़ करने चाहिए थे लाइक प्रॉब्ली लाइक देर सो मैनी प्रोडक्ट्स पर जो मैं यूज़ कर सकती थी सीरम भी यूज़ कर सकती थी नॉर्मल एक मुझे लगता है सनस्क्रीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो मैंने यूज़ नहीं की एंड सो uh, so, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया था दिस दिस पार्ट एंड सो फ्यू मंथ्स बैक जब मुझे लगा कि ओके सो ओके मैं आपको थोड़ा यूज करके बता देती हूँ बिकॉज मैं ना कहीं जा रही थी एंड uh, मैंने सोचा कि मेक दिस वीडियो एंड ओनली दिस एंड मैं आपको बेनिफिट भी इसके बताऊंगी फॉर श्योर तो uh, इसमें मैंशन था कि आप डायरेक्टली मतलब अप्लाई कीजिएगा सो so, आप बिफोर यू आर गोइंग टू यूज दिस सीरम इफ यू फील दिस सन इज गुड फॉर यिन तो आप लाइक रोज वाटर यूज़ कर सकते हो टोनर यूज़ कर सकते हो एंड आई ऑलरेडी यूज रोज़ वाटर उसके सिवा मैंने अभी तक कुछ यूज़ नहीं किया है सो आई कैन शो यू दिस स्किन आई फील इट्स नाइस एंड सी सो आप आराम मतलब ऐसे डैप टैप करके भी कर सकते हो तो एब्सॉल्व कर लेगा एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव सो मेनी ऑप्शन अवेलेबल मार्केट में आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा जो सीरम है वो आ रहे हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं लाइक नो डाउट बहुत अच्छे हो सकते हैं रिव्यू uh, चेक किए थे बट जब मैं बाय कर रही थी तो मैंने बहुत सारे सीरम चेक किए कि कौन सा सीरम है बिकॉज ऑफकोर्स मैं कुछ भी नहीं यूज़ करूँगी प्रोडक्ट अपने फेस पे तो सबसे अच्छे जो रिव्यूज़ थे वो इस प्रोडक्ट के थे ओके सो एंड रिव्यू अच्छे थे एंड सबसे ज़्यादा कॉस्टली सबसे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट भी यही था तो पता नहीं क्यों बट आई थिंक दिस इज़ आर मेन्टेलिटी कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है तो शायद ज़्यादा बेनिफिट्स देता है तो मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा मुझे ऑलमोस्ट थ्री मंथ हो चुके हैं एज आई टोल्ड यू तो जब मैंने फर्स्ट मंथ में आ, आ, अपना फेस देखा था एंड आई वाज विथ माय ब्रदर तो ही सेड यार एक्चुअली में काफ़ी है पिगमेंटेशन थोड़ी रेडनेस थी और थोड़ी टैनिंग भी हो गई थी उस टाइम पे और तो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया एंड आई थिंक एक हफ्ते में आपको थोड़ा सा फ़र्क जो मतलब बहुत एकदम स्टार्टिंग वाला जो फ़र्क होता है ना वो दिखता है एन आई वॉज वेटिंग फॉर कि ओके आई नीड टू वेट फॉर मोर डेज तो मैंने आई थिंक पाँच दस दिन और वेट किया दो हफ्ते पूरे होने का वेट किया थोड़ा सा तो मेरे भाई ने कहा कि थोड़ा फ़र्क तो लग रहा है नॉट एज कि बहुत दिख रहा है बट तो मैंने कहा ओके okay, दो हफ्ते में यू कान्ट रियली लाइक होपिंग फॉर कि अ वेरी गुड रिजल्ट सो ओके okay. तो अभी की जो मेरी स्किन है ना मैं इस अपना रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ आई डोंट नो अबाउट अदर्स मे बी उनके जो रिजल्ट्स है वो भी अच्छे हो लेकिन मुझे बहुत सूट किया और मैंने ऑलरेडी थर्ड जो सीरम है वो ऑर्डर कर दिया है आई एम लाइक आई एम लाइकिंग दिस प्रोडक्ट एक्चुअली तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है सो यू इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई दिस सीरम तो आपके माइंड में वो चीज़ें ऑलरेडी हों सो एज हाइव टोल्ड यू कंपनी नेम आप मिनिमेलिस्ट करके भी सर्च कर सकते हो और इट्स uh, uh, अगर आप अमेरिकन उसमें देखोगे तो इट्स मिनमेलिस्ट एंड इसमें uh, सिलेसिलक एसिड है ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट एंड इट रड्यूस ऑयल एक्ने ब्लैक हेड्स जो भी आपको प्रॉब्लम बेसिकली गर्ल्स को रहती है फॉर एक्ने प्रोन स्किन एंड इसकी जो क्वेंटिटी है गाइसी इट्स अ थर्टी एम एल एंड Apart from that, uh, it's a okay. So it's not इससे आपको irritation नहीं होगी. It's uh, clearly mentioned this. I don't know इतना clear शायद दिखेगा नहीं. But मैं picture एक share कर दूँगी. इसमें clearly mentioned है कि ये tested है and uh, safe to use and इससे आपको irritation नहीं होगी. Non-irritant. एंड uh, इसमें आप मैं इनिशियली जब मैंने बाय किया था तो मैं एक्चुअली दो टाइम यूज़ करती थी लाइक like मॉर्निंग में और सोने से पहले जब भी आप अपना फेस वॉश करते हो जब भी आपका फेस रूटीन होगा उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो तो मैंने स्टार्टिंग में ट्वाइस डे यूज़ किया एंड जब मेरा वो एक सीरम खत्म हो गया था तो उसके बाद जब मैंने ये सेकेंड बोटल uh, मतलब uh, आप मैंने ऑर्डर की थी उस टाइम मैंने एक ही टाइम ऑर्डर मतलब एक टाइम मैं यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में और अगर मुझे लगता है कि मतलब शाम को मैं आई हूँ नॉर्मली मैं फेस वॉश करके अपना सीरम लाइक नॉट सीरम बट रोज़ वाटर एंड मॉइस्चराइज करके लाइक दैट्स नॉर्मल थिंग बट इफ़ आई फील कि ओके okay, बहुत ज़्यादा किसी ऐसी जगह गई थी आई नीड सीरम तो मैं ये, ये यूज़ कर लेती हूँ एंड uh, इनका जो टैग लाइन है इट्स हाइड नथिंग सो या एंड अफकोर्स गाइज मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत इमीजिएटली रिजल्ट मिल जाएंगे इट डिपेंड्स कितनी पुराना एक्ने आपका है या कितनी पुरानी स्किन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है हेल्प करती है बिकॉज गाइज एज ऑबियस इसमें जो जो चीज़ें मैंशनड होती है जो एसिड इसमें पड़े होते हैं या जो जो चीज़ें इसमें रहती है मैंशनड उनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गलत uh, से okay, आपको एक दो महीने पहले कुछ एक्ने होना स्टार्ट हुआ है या एक साल हुआ है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसको मतलब अपना फेस क्लीन करने में एंड द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सालों से है दस सालों से बीस सालों से वी मोर देन दैट तो आपको अकॉर्डिंगली टाइम ज़्यादा लगेगा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे सीरम है और अगर मैं इसकी बात करूँगा इस तो इट कॉस्टमी रुपीज फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन दैसो मैनी जीरोम इन मार्केट जो कि आपको कहीं से भी मिल सकते हैं लाइक अमेजोन मिंत्रा नायका जो भी आपकी वेबसाइट्स uh, रहती है जहाँ से आप रेगुलर बाई करते हो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था आपको पता अभी पास्ट फ्यू वीक्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा था लाइक फिफ्टी परसेंट फोर्टी परसेंट इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था तो मुझे ये फाइव फोर्टी नाइन का ही पड़ा था और इनके बहुत बहुत ज़्यादा सीरम जो है मार्केट में आ गया लाइक इसमें जैसे कि आपका आ, आ, सिले सेलेक एसिड जीरो पॉइंट टू परसेंट है कोई और एसिड है बहुत सारे एसिड है सेम कंपनी के तो आपको जो लगता है ना कि आपको जो भी न, फेस से रिलेटेड इश्यूज़ है आपको प्रॉब्ली उसके बेसिस बेस पे आप ले सकते हो और आई डोंट नो कब डिस्काउंट पड़ेगा और मुझे भी थोड़ा सस्ता पड़ेगा बट दे आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जिनके प्राइजिज़ वन नाइन्टी नाइन के भी है सीरम के टू नाइन्टी नाइन के भी है लेस प्राइजेस पे बट इसका प्राइस कहीं कम नहीं था किसी वेबसाइट पे कम नहीं था एंड मैं इनका ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा इस आप भी यूज़ कर सकते हो मैं आपको एक्चुअली मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ अगर आपको कोई फेस रिलेटेड प्रॉब्लम है एटलीस्ट आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए आई बिलीव आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बिकॉज मुझे भी मिले एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम यूजिंग दिस थिंग ऑल्सो इट्स अ मॉइस्चराइजर एंड इट्स अ वाइटामिन बी फाइव टेन परसेंट विद कॉपर जिंक मैग्नेशियम सो मैनी थिंग्स इट्स वेरी लाइट वेटेड इट्स इन अ फॉर्म ऑफ जेल एंड इट्स ऑयल फ्री तो ये भी खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट तो मैंने इसका ना वैसे एक पैक भी आता है जिसमें आपका सीरम रहता है मॉइस्चराइज़र रहता है इनकी सनस्क्रीन भी आ चुकी है एंड आई वोंट बिलीव बट इनका अब इवन आई डोंट नो आप सबको भी क्या मतलब बहुत uh, ज़्यादा अब कंपनीज ने uh, जैसे लिप बाम जो बनाते थे लिप से रिलेटेड उनका भी एस पी एफ आने लग गया है शॉकिंग राइट सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन और बहुत ही ख़त्म होने वाला है बट लाइक दिस मच क्वान्टिटी इज़ इनफ एंड बहुत जल्दी ऑब्जर्व होता है और बहुत नाइसली ऑब्ज़र्व होता है तो आपको कभी uh, ऐसा फील नहीं होता है कि ओ यू you नो know, कुछ कुछ मॉइस्चराइजर होते हैं ना तो बहुत ऐसे रहते हैं तो बहुत लाइट वेटेड है तो इसमें भी आपका यही सब है सेम टैगलाइन हाइड नथिंग एंड मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा बट इट कॉस्ट मी रुपीज़ आई थिंक टू हंड्रेड ओके मुझे जो ये पड़ा था ये टू हंड्रेड सिक्सटी सेवन सिक्सटी नाइन कुछ ऐसा पड़ा था बट इसका जो प्राइस है इट्स थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन रुपीज़ तो मैंने ये दो प्रोडक्ट लिए थे और ऑनेस्टली टेलिंग यू आई एम लविंग दिस वन सो वेरी मच और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड अफकोर्स uh, इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड है इट्स अ फिफ्टी ग्राम एंड मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा मैंने uh, मतलब इसका सनस्क्रीन uh, लेने का नहीं सोचा बिकॉज वो मैं एक्चुअली किसी और कंपनी का यूज़ कर रही हूँ और मुझे वो भी बहुत पसंद है मैंने सोचा था शॉर्ट वीडियो होगी इट्स नॉट अ शॉर्ट वीडियो बट सो so गाइज़ आज के लिए इतना ही आई होप आपको भी uh, इस प्रोडक्ट से बेनिफिट मिले बट इट्स माई लाइक आई एम एक्चुअली गोइंग टू रिकमेंड यू दिस वन बिकॉज आई फील दैट दे आर गर्ल्स एंड दे आर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड आपका अगर प्रॉब्लम नहीं है फेस से रिलेटेड तो आपकी आधी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ओके okay गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच माईट बी रिलेटेड टू सम दिस और मे भी कुछ और <laughs> तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में जानकर या आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट को लेकर अगर आपने कभी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है बाकी गाईज ना लास्ट बट नॉट द लीज ड लाइक कॉमेंट एंड शेयर माई वीडियो और प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा आप कुछ और नया देखना चाहते हैं तो और अभी के लिए बाय गाइस टेक केयर ऑल सब भी अपना ध्यान जरूर रखिएगा अच्छे से रखिएगा और आपसे ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में